जय श्री राम प्यारे बच्चों, स्वागत है दोबारा से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था अपना इकोनॉमिक्स 12th का चैप्टर नंबर 1 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज की क्लास में भी बेटा हम उसी चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है बेटा, क्लास स्टार्ट करते हैं। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेटा अगर वीडियो अच्छी लगती है, चीजें समझ में आती है, तो उन वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियोज को लाइक करें और वीडियोज पर कॉमेंट भी करें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम लोग इंडिया के डेमोग्राफिक प्रोफाइल या डेमोग्राफिक कंडीशंस की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो आपको पॉइंट मिलता है बेटा वो है फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1881। ये ईयर आपको याद रखना पड़ेगा, आपसे पूछा जा सकता है। अब इसको बेटा फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1881 ही वो ईयर था जिसके बाद हर 10 साल में आपके देश में सेंसस किया गया, आपके देश में जनगणना की गई, इसलिए हम ऑफिशियली 1881 को ही फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस मानते हैं। हालांकि इससे पहले भी देखिए डेटा जो है हमारे देश के बारे में इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी, बट वो जो इंफॉर्मेशन रिवील हुई थी बेटा वो बड़ी अनइवन थी, अजीब सी थी। ठीक है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट रहता था सभी इकोनॉमिस्ट के अपने खुद के डेटा में। क्लियर, अब बात करते हैं बेटा सेकेंड पॉइंट, वो है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है बेटा उसको माना जाता है 1921 को। ठीक है, 1921 इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों, 1921 से पहले बेटा जो हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसकी पहली स्टेज रही है हमेशा, जिसका मतलब था कि हमारे देश में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे, तो उसकी वजह से आपकी जो पॉपुलेशन है बेटा वो आप कह सकते हैं कॉन्स्टेंट ही रहती थी, डेथ रेट भी हाई था और बर्थ रेट भी हाई था। बट जो आपका ईयर 1921 है उसके बाद ही आपके देश में जो डेथ रेट है बेटा उस पे हमने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, मतलब देयर वाज डिक्लाइन इन द डेथ रेट आफ्टर 1921, और इसलिए इसको माना गया बेटा सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यानी जो सेकंड स्टेज स्टार्ट हुई बेटा वो कब से हुई, 1921, इसीलिए इस 1921 को ही हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। जब हम लोग इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशंस को स्टडी करते हैं तो उसमें हमें कुछ पॉइंट्स को स्टडी करना पड़ता है, और उन पॉइंट्स के बेस पर ही हम कहते हैं कि इंडिया की कंडीशन कैसी रही होगी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है बेटा वो है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वाज वेरी हाई। देखिए बर्थ रेट कितना था, इट वाज 48 per 1000, 1000 लोगों पर 48 बच्चे जन्म लेते थे, और डेथ रेट कितना था बेटा 40 per 1000, 1000 में से 40 मर भी जाते थे। तो इससे क्या पता चलता है कि बर्थ रेट भी हाई था तो साथ साथ डेथ रेट भी बहुत हाई था। क्लियर, दूसरा बेटा एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा लिटरेसी रेट क्या होता है। लिटरेसी रेट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ आवर पॉपुलेशन हु कैन रीड एंड राइट बोथ, यानी कुल जनसंख्या के वो प्रतिशत, वो टोटल प्रतिशत लोग जो पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं उनको हम कहते हैं लिटरेट पर्सन, उनको हम कहते हैं लिटरेट पर्सन। और जब परसेंटेज में बात करते हैं तो उसको कहते हैं लिटरेसी रेट, यानी कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग अंग्रेजों के टाइम पर पढ़ और लिख दोनों सकते थे। तो देखिए ये कितना है, ओवरऑल या एवरेज जो रेट है वो लेस देन 16% है, लेस देन 16% है, मतलब कुल जनसंख्या के 16% से कम लोग ऐसे लोग थे जो पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे। और इसमें जो फीमेल्स की कंडीशन थी बेटा इट वाज आल्सो वेरी मिजरेबल, वो बड़ी ही खराब थी।
it was only 7%, about 7% of total female population who can read and write both. तो आप समझ सकते हैं लिटरेसी के नाम पर हमारे देश में उस समय कुछ भी नहीं था. एवरेज आप समझिए, एवरेज 16% से कम लोग ही थे जो पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे. क्लियर? अब तीसरा जो पॉइंट है बेटा वो है पुअर हेल्थ फैसिलिटीज. अंग्रेजों के टाइम पर बेटा हमारी जनसंख्या के ज्यादातर लोगों को हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी, और जिन लोगों को अवेलेबल थी तो उनके लिए भी वो सफिशिएंट या एडिक्वेट नहीं थी. और यही रीजन है कि उस टाइम पर एयरबोर्न डिजीज या फिर वाटरबोर्न डिजीज जो है इट वॉज वेरी डेंजर डिजीज फॉर अवर कंट्री, और वो बहुत तेजी से हमारे देश में फैल जाती थी. क्लियर बेटा? तो ये थे तीन पॉइंट. अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की. तो हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट था, मतलब ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी जो जन्म लेने के एक साल के अंदर अंदर मर जाते थे. पर 1218 यानी 1000 बच्चे जो एक साल में अगर जन्म लेते थे तो बेटा उसमें से 218 बच्चे, आप समझिए, उसमें से 218 बच्चे जन्म लेने के एक साल के अंदर अंदर मर जाते थे. जबकि अगर आप बात करें 2017 में तो वो है बेटा 33 per 1000, और बात करें 2022 में तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 27, और यहां पर कितने बेटा आप समझिए 218. तो इससे क्या पता चलता है कि उस टाइम पर हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज नील के बराबर थी, ना के समान थी. क्लियर बेटा? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज लाइफ, एवरेज एज. उस टाइम पर बेटा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स हमारे देश में जो एवरेज एज थी इट वॉज ओनली 32 ईयर्स, केवल 32 साल ही औसतन हमारे देश में एक व्यक्ति जिंदा रहता था. जबकि अगर आज से कंपेयर करें तो आज हमारे देश में जो एवरेज एज है बेटा इट इज नियर अबाउट 69.7 ईयर, करीब करीब 70 साल औसतन हमारे देश में आज एक व्यक्ति जीवित रहता है. इट्स मोर देन 69, ठीक है, 69.7, ठीक है. जबकि उस टाइम पे केवल कितना था बेटा 32 ईयर्स. आज समझिए, आज ये डिफरेंस जो आया है वो इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ फैसिलिटी की वजह से आया. समय के साथ साथ हमारे देश में जो हेल्थ फैसिलिटी है बेटा वो बहुत ज्यादा ग्रो हुई है, और उसी की वजह से जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बड़ी है. और जो लास्ट पॉइंट है बेटा वो है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. देखिए गरीबी को लेके एज सच हमारे पास कोई रिलायबल डेटा नहीं है, बट ये एक फैक्ट है कि हमारे देश की ज्यादातर जनसंख्या ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती थी, वो बहुत ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी. ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश रूल से बेटा वो एक बहुत बड़ा रीजन था हमारे देश में गरीबी का, हमारे देश में बैकवर्डनेस का. ठीक है, तो ये सारे जो हमारे डेमोग्राफिक कंडीशंस हैं वो आपको सब यही बताते हैं जितने भी डाटा है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स इंडिया वाज अ बैकवर्ड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी विच डोंट हैव हेल्थ फैसिलिटी, और जो पूरी तरह से पुअर इकोनॉमी थी. ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की. तो बेटा देखिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में. तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है बेटा? व्हेन वी डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट आवर वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग वर्कफोर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशंस, तो इसको कहते हैं बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स. इसका मतलब होता है कि हमारी जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें से कितने परसेंटेज लोग प्राइमरी सेक्टर में एंगेज हैं, कितने परसेंट लोग ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज इन द सेकेंडरी सेक्टर्स, एंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल वर्किंग फोर्स इज एंगेज इन द टेरिटरी सेक्टर्स. यानी जब हम अपनी टोटल वर्किंग फोर्स को डिवाइड कर दें कि टोटल वर्किंग फोर्स में से कितने परसेंट लोग जो है प्राइमरी सेक्टर यानी लैंड एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज में लगे हैं, कितने परसेंट लोग मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जिसमें हम इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में लगे हैं, और कितने परसेंट लोग सर्विस सेक्टर में एंगेज हैं, तो इसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स. यानी ऑक्यूपेशंस के बेस पर अपनी वर्किंग पॉपुलेशन को डिवाइड करना. ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स
हमारे जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर्स है उसको स्टडी करने से हमें क्या पता चलता है। देखिए, सबसे पहला प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशंस, के जब तक अंग्रेजों का रूल रहा हमारे देश में जो प्राइमरी सेक्टर है वो हमेशा डोमिनेट करता रहा। मतलब हमारी टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का 70-75% ठीक है, जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा है वो किस में एंगेज था बेटा, वो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज था। मतलब वो एंगेज था लैंड और इससे अलाइड एक्टिविटीज में, जैसे फिशिंग होगी, गार्डनिंग होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इसमें एंगेज था ठीक है। जबकि आप बात करें सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, तो उसमें टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का, टोटल वर्कफोर्स का केवल 10% एंगेज था ठीक है। और जब बात करते हैं टेरिटरी सेक्टर यानी के आपका सर्विस सेक्टर की, तो इट वाज प्रोवाइडिंग जो 15-20% ऑफ आवर टोटल वर्किंग फोर्स। तो आप देख सकते हैं उस टाइम पर भी पूरे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स हमारी इकोनॉमी जो है मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। और एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी बेटा, जिस इकोनॉमी में पॉपुलेशन का ज्यादा हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज हो बेटा, वो हमेशा बैकवर्ड इकोनॉमी कहलाती है, वो हमेशा बैकवर्ड इकोनॉमी कहलाती है। दिस इज व्हाई वी कैन से दैट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स इंडिया वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी। क्लियर बेटा? अब इसी में एक देखिए दूसरा पॉइंट भी है, रीजनल वेरिएशंस। रीजनल वेरिएशन का मतलब होता है क्षेत्रीय विषमताएं। इसका मतलब क्या बेटा, हमारे देश में कुछ क्षेत्र थे जहां पर कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो कम हो रहा था, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में बढ़ रहा था। बट कुछ और क्षेत्र थे जहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का शेयर बढ़ भी रहा था, तो इसी को इन्होंने नाम दिया है रीजनल वेरिएशंस। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है बेटा, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, यहां पर क्या हो रहा था बेटा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें वर्किंग फोर्स वर्क जो अपने वर्किंग पीपल थे उनका परसेंटेज कम हो रहा था, जबकि सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में उनका परसेंटेज बढ़ रहा था। अब इसके अगेंस्ट अगर आप बात करें बेटा, तो ओडिशा, राजस्थान और पंजाब, ये वो स्टेट थे जहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्किंग पॉपुलेशन का शेयर बढ़ रहा था, तो इसलिए इसको नाम दिया गया बेटा रीजनल वेरिएशंस। क्लियर? तो ये था बेटा अपना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है सबसे पहले, और ये कितने तरीके का होता है सबसे पहले वो जानते हैं, फिर बाद में बात करेंगे कि भैया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेटस था। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है बेटा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वो सपोर्टिंग सिस्टम है जो एक इकोनॉमी में लेवल ऑफ जीडीपी बढ़ाने में हेल्प करता है, वो सपोर्टिंग सिस्टम है जो कि एक इकोनॉमी में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी सर्विसेज ठीक है, जो एक इकोनॉमी में लेवल ऑफ जीडीपी बढ़ाने में हेल्प करे या लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने में हेल्प करे बेटा, वो सब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर्स में ठीक है। और इसी के बेस पर हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होता है बेटा, द इंफ्रास्ट्रक्चर विच प्रमोट जीडीपी, विच हेल्प टू इंक्रीज द लेवल ऑफ जीडीपी, ऐसे सपोर्टिंग सिस्टम को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है देखिए, इसमें आता है एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, रोड, रेलवे, पोर्ट, इंश्योरेंस, ये सब किसमें आता है बेटा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है राइट। बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होता है बेटा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जो एटीट्यूड है ठीक है, जो उनका आउटलुक है, नजरिया है, उसको चेंज करने में हेल्प करता है। तो इसमें आता है बेटा आपका एजुकेशन और दूसरा आता है हेल्थ। तो दीज आर द मेन टू एग्जांपल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। क्लियर है बेटा? तो ये तो था इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करेंगे भाई कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर्स की क्या कंडीशन थी, हमारे देश में स्पोर्टिंग सिस्टम जो था वो कैसा था। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, सबसे पहले बात करते हैं रोड्स की ठीक है। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने
इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारे देश में कुछ रोड बनवाए थे, बट उनका जो रोड का कंस्ट्रक्शन था वो हमेशा से ही कम रहा, उनका हमेशा ही फोकस रोड बनाने पर कम रहा, क्योंकि उसके पीछे हमेशा वो रीजन देते थे बेटा लैक ऑफ फंड, कि हमेशा हमारे पास पैसे की कमी है इसलिए हम लोग आपके लिए यहाँ पर ज्यादा रोड नहीं बनवा सकते। फिर दूसरी चीज आप ये समझिएगा, रोड उन्होंने जरूर बनवाई, बट वो रोड बनवाने के पीछे बेटा उनकी भावना क्या थी, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। तो पहला पॉइंट आप समझिए, मोबिलाइजिंग द आर्मी। रोड बनवाने के पीछे उनका केवल मेन एम ये था कि वो अपनी आर्मी को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेज सके, एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट कर सके, पहली चीज। दूसरा, एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल्स, वो चाहते थे कि भारत के कोने कोने से रॉ मटेरियल वो अपने देश में ले जा सके, इसके लिए भी उनको रोड की आवश्यकता थी, और यही रीजन था कि उन्होंने भारत में रोड का कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहां पे समझिए, ऑलवेज रिमेन एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश में जो रोड बनवाए थे बेटा वो ऑल वेदर रोड नहीं थे, ऑल वेदर रोड का मतलब वो सभी सीजन में कामयाब नहीं थे, बारिश के मौसम में बिल्कुल बेटा वो खराब हो जाते थे। तो यही कारण था कि जो दूर दराज के इलाके थे, जो हमारे विलेजेस थे, वहां पर जब किसी भी तरीके का फेमिनाज वगैरह आता था तो वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती थी, और हम उन विलेजेस की कोई हेल्प नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो भी रोड वो बनवाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो सारे बारिश के टाइम पे या फेमिनाज के टाइम पे सब खराब हो जाते थे। क्लियर है बेटा? तो ये सब था रोड के बारे में। अब बात करेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट रेलवेज के बारे में। तो बेटा अब बात करेंगे जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडियन इकोनॉमी में, उसकी यानी रेलवेज की। रेलवेज वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिश इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। दे इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया इन 1850, 1850 में उन्होंने हमारी इकोनॉमी में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था। बेटा ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड फर्स्ट ट्रेन रन इन द 1853, और जो पहली ट्रेन चली थी बेटा वो 1853 में चली थी बॉम्बे टू ठाणे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि भाई व्हेन द फर्स्ट रेलवे वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, अब बच्चे उसमें क्या करते 1853 लिख देते, नहीं 1853 जो है फर्स्ट ट्रेन रन वाली डेट है बेटा, ईयर है कि जब फर्स्ट ट्रेन चली थी वो 1853 में चली थी, बट जो इंट्रोड्यूस की गई थी बेटा वो 1850 में की गई थी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, वन मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? तो अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहला बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा रेलवे का। क्या इफेक्ट पड़ा बेटा? रेलवे इनेबल पीपल टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, ठीक है। रेलवे ने हमारे लोगों को लॉन्ग ट्रेवल जो है करना स्टार्ट करा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा, जो रीजनल बैरियर्स थे, जो हम एक दूसरों से मिल नहीं पा रहे थे, हमने एक दूसरों से मिलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमने दो डिफरेंट डिफरेंट तीन डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स है उनके कल्चर को समझा, और इसने नेशनल इंटीग्रिटी को प्रमोट किया। तो रेलवे की वजह से ही हमारे देश में नेशनल इंटीग्रिटी बढ़ी थी, ठीक है। दूसरा है प्रमोटेड फॉरेन ट्रेड। अब देखिए ये भी सही है कि रेलवे के आने के बाद जो फॉरेन ट्रेड है बेटा वो हमारा प्रमोट हुआ था, ठीक है, क्योंकि रेलवे की वजह से क्या हो सकता था कि हमारे देश के कोने कोने से हम माल जो है लाकर विदेशों को बेच सकते थे। नो डाउट रेलवे प्रमोट फॉरेन ट्रेड, बट इसका कहीं भी बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को नहीं मिला, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। के लिए एनहांस कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, रेलवे ने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया रेलवे के आने के बाद। इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, बहुत ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, बट इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ा बेटा, जो हमारे विलेजेस पहले सेल्फ सफिशिएंट थे, ठीक है, अब उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया, मतलब हमारे विलेज अब सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहे, बल्कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से अब उनको अपने बेसिक नीड्स यानी क्रॉप्स या वीट के लिए उनको मार्केट की अनसर्टेनिटी पे डिपेंड
रहना पड़ा। तो ये भी एक रीजन था रेलवे के इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारे विलेजेस पे इफेक्ट पड़ा। क्लियर बेटा? अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो थर्ड पॉइंट आता है वो है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। नो डाउट ब्रिटिश गवर्नमेंट मेजर्स टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटी इन इंडिया, यानी एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या थी, इट वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। उन्होंने जो उपाय किए थे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटीज थी वो बहुत ज्यादा इंडिया में नहीं थी। कुछ पोर्ट हमारे देश में बनाए गए थे, बट मेन पर्पज वही था कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल्स अपने देश में लेके जाना चाहते थे और वहां से फिनिश गुड्स हमारे देश में बेचना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कह सकते हो कि आप वाटर ट्रांसपोर्ट के रूप में पोर्ट कुछ उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए थे, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का फोर्थ पॉइंट है कम्युनिकेशंस। और कम्युनिकेशंस में बेटा पोस्ट एंड टेलीग्राफ दो चीजें आती हैं। अब जो टेलीग्राफ था बेटा इट वाज एन एक्सपेंसिव सिस्टम, ठीक है, ये बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत खर्चीला था और ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ओनली टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया। इसके अलावा इनका और कोई पर्पज नहीं था, ठीक है। बात करते हैं पोस्टल सर्विस की। पोस्टल सर्विस इट वाज अ गुड फैसिलिटी फॉर द पब्लिक इन इंडिया, बट प्रॉब्लम क्या थी, इट वाज इनएडिक्वेट इन इंडिया, ठीक है। उन्होंने इसको बहुत अच्छे से एक्सपेंड नहीं किया था, ठीक है। तो ये सारे बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए हमें क्या लग रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बड़ी अच्छी थी, उन्होंने हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए इतना अच्छा काम किया, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में उन्होंने डेवलप किया था, बट अब जानेंगे कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अब बात कर लेते हैं कि भाई क्या रीजन थे जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतनी दया की, उन्होंने हमारी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, ठीक है, कहीं हमारे मन में कोई गलतफहमी ना रहे तो बेटा रीजन जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा रोड की, कि उन्होंने हमारे देश में रोड क्यों बनवाए। तो देखिए पहला रीजन था टू मोबिलाइज आर्मी विद इन द इंडिया, वो अपनी आर्मी को देश के कोने कोने में भेजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमारे रोड बनवाए बेटा, ताकि वो अपनी आर्मी को देश के कोने कोने में भेजकर हमारे पूरे देश पर अपना कब्जा बनाए रखे। क्लियर है? दूसरा पॉइंट देखिए, ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड। रोड्स के सहारे वो क्या कर रहे थे बेटा, देश के कोने कोने से, ठीक है, जहां तक हमारे रोड जाते थे वहां से कच्चा माल लेकर वो आते थे, फिर उनको रेलवे स्टेशन लेकर आते थे और रेल के थ्रू बेटा उन्होंने उनको कनेक्ट किया पोर्ट से, बंदरगाहों से, और उस पोर्ट के थ्रू यानी वाटरवेज के थ्रू वो फिर उस रॉ मटेरियल को अपने देश में भेजते थे, ठीक है। समझ में आया रोड क्यों बनवाए? तो उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो, वो तो बेटा अपने बेनिफिट के लिए रोड बनवा रहे थे। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा रेलवे की। तो रेलवे में पहला पॉइंट है टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशंस कह सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कह सकते हो बेटा। उनका मेन पर्पस था रेलवे का कि भाई रेलवे के थ्रू वो हमारे देश पर अच्छे से कंट्रोल कर सके, अच्छे से वो हमारे देश में अपना शासन चला सके, एडमिनिस्ट्रेशंस के पर्पस से, कंट्रोल के पर्पस से उन्होंने रेलवे हमारे देश में इंट्रोड्यूस की थी, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड। अब वही चीज है, रॉ मटेरियल हमारे देश के कोने कोने से रेल के थ्रू वो पोर्ट में लेकर जाते थे और पोर्ट से फिर अपनी कंट्री में। इसके अलावा अपने देश में बने हुए फिनिश गुड्स को रेल के थ्रू हमारे देश के कोने कोने में वो सेल करते थे, जिससे कि वो लाभ कमाते थे। क्लियर? अब तीसरा पॉइंट देखिए बेटा, टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। भैया अंग्रेजों ने रेल इंट्रोड्यूस हमारी भलाई के लिए नहीं की थी, उनके लिए रेलवे जो है इंडिया में उनका एक इन्वेस्टमेंट था केवल लाभ कमाने के लिए, तो उन्होंने लाभ कमाने के लिए हमारे देश में रेलवे में इन्वेस्ट किया था, इसके अलावा उनका और कोई पर्पज नहीं था। बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट यानी इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के बारे में। देखिए बेटा जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ है वो एक बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम था, तो ये सोचना कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना एक्सपेंसिव सिस्टम इंडियन डेवलपमेंट के लिए लेकर आई हो, ये तो आपकी गलतफहमी है। वो केवल यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि उनको अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट से
बार बार कुछ इंस्ट्रक्शंस लेनी पड़ती थी और अपने सजेशंस अपनी इंफॉर्मेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी, इसलिए केवल इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर क्यों खर्च किया। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में केवल इतना ही, अब अपने नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।